बीवी से दुनिया में आज देखिए शुरू हो चुका है क्लाइमेट चेंज का भयावह असर। सदी के अंत तक भारत के कई इलाके समा जाएंगे समंदर में। दुनिया भर से 20 करोड़ लोगों को होना पड़ेगा विस्थापित। हाल में हुई कई घटनाओं ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की चिंताएं। बीवी से दुनिया में आपका स्वागत है, मैं आपके साथ पायल भुयान। जलवायु परिवर्तन के बुरे असर की पड़ताल आज कवर स्टोरी में, लेकिन पहले हेडलाइंस। पेगासस जासूसी मामले और किसानों के मुद्दे पर सदन में हंगामा, ट्रैक्टर लेकर संसद पहुंचे राहुल गांधी, कहा किसानों की आवाज दबा रही है सरकार, मैं संदेश लेकर आया हूं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा दिल्ली की तरह लखनऊ के बाहर भी करेंगे प्रदर्शन। ईरान में पानी के लिए हो रहे हैं जबरदस्त प्रदर्शन, पानी की कमी पर नाराज लोगों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें, कईयों की मौत। यूएन रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में इस साल रिकॉर्ड संख्या में आम लोगों की मौत, पिछले इस साल के मुकाबले 47% ज्यादा लोग मारे गए। इस साल अब तक 1600 लोगों की मौत, इनमें ज्यादातर बच्चे शामिल। संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी, बढ़ सकता है आम नागरिकों के मौतों का आंकड़ा। चीन ने लगाया अमेरिका पर इल्जाम, अपनी समस्या छिपाने के लिए चीन को दोष देता है अमेरिका। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद अब तक की सबसे उच्च स्तरीय बैठक में चीनी उप विदेश मंत्री ने दी ये चेतावनी। अमेरिकी उप विदेश मंत्री ने मानवाधिकार के मुद्दे पर जताई चिंता। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। बारिश और भूस्खलन ने महाराष्ट्र में तबाही मचाई, तो कहीं भयंकर गर्मी, सूखे और बाढ़ ने हाल ही में धरती के अलग अलग हिस्सों में एक साथ मौसम के कई रूप देखने को मिले। ये सब हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और भारत भी इससे अछूता नहीं है। अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाले बदलाव यूं ही जारी रहे तो सदी के अंत तक भारत के कई हिस्से समंदर में समा चुके होंगे। आज कवर स्टोरी में इसी की पड़ताल। आज दुनिया के लगभग हर हिस्से के लोग खराब मौसम की चुनौती से जूझ रहे हैं। एक के बाद एक विनाशकारी घटनाएं होती जा रही हैं और इस सब की वजह है जलवायु परिवर्तन। बात शुरू करते हैं उत्तरी अमेरिका से, जहां एक महीने से ऐतिहासिक लू चल रही है। अमेरिका और कनाडा जहां रोजाना तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, दर्जनों मारे गए हैं। गर्मी की वजह से जंगलों में आग लग गई है जो अमेरिका के कई राज्यों को अपने चपेट में ले चुकी है। अमेरिका में ये अब तक का सबसे गर्म जून रहा। वैज्ञानिक इसे हजारों वर्षों में एक बार होने वाली घटना करार दे रहे हैं। उनका मानना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से ये सब हो रहा है। वहीं करीब दो हफ्ते पहले यूरोपीय देश जर्मनी पर भी बीते 100 सालों की सबसे भयानक बाढ़ का कहर टूटा है। कम से कम 170 लोग इसमें मारे गए हैं। दक्षिणी यूरोप में जंगल की आग भी तेजी से फैल रही है। बाढ़ के बाद जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने भी अपनी इस पर प्रतिक्रिया दी। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए काफी कुछ किया गया है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कुछ नहीं किया गया है, लेकिन तापमान 1.5 से 2 डिग्री कम करने के हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिहाज से अभी पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं। ये बात सिर्फ जर्मनी ही नहीं बल्कि दुनिया के ज्यादातर देशों पर लागू होती है। इसलिए हमने जलवायु संरक्षण कानून की शुरुआत की है, जहां हमारा लक्ष्य 2045 तक जर्मनी को क्लाइमेट न्यूट्रल बनाना है। और पिछले ही हफ्ते हमने चीन में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद तबाही का मंजर देखा। जांगजाऊ में जब औसतन साल भर में होने वाली बारिश महज 3 दिनों में हो गई तो सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। वहां ये बाढ़ की तमाम वजह हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन इसमें से एक सबसे बड़ी वजह नजर आती है। किसी एक घटना को ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ना जटिल होता है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि धरती लगातार गर्म हो रही है। औद्योगिक दौर शुरू होने के बाद से अब तक दुनिया का तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस गर्म हो चुका है। बड़ी चिंता यह है कि जितना अनुमान लगाया गया था ग्लोबल वार्मिंग, उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। और आज जब ये सब हो रहा है, इसके नतीजे विध्वंसक हो सकते हैं। देखिए ये रिपोर्ट।
मौसम में तेजी से आ रहे तमाम बदलाव जो हमने हाल ही में देखे हैं वो क्लाइमेट चेंज का ही नतीजा है, लेकिन शायद हमें ये अंदाजा नहीं है कि तापमान बढ़ने से आर्कटिक क्षेत्र में क्या असर पड़ रहा है। यहाँ बाकी दुनिया की तुलना में तापमान 2 से 3 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। आर्कटिक एरिया की बर्फ लगातार पिघल रही है। साल 2012 में रिकॉर्ड स्तर पर बर्फ पिघली थी, इस साल जुलाई के पहले 2 सप्ताह में बर्फ पिघलने की दर उससे बस थोड़ी सी ही कम रही। साइबेरिया में लापटेफ सागर समय से पहले ही पिघलना शुरू हो चुका है और अब ये लगभग बर्फ मुक्त हो चुका है। समंदर की बर्फ पिघलने के बेहद गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सूर्य का प्रकाश सफेद बर्फ से टकराकर लौट जाता है, जिससे धरती का औसत तापमान नियंत्रित रहता है। बर्फ पिघलने से समंदर की काली सतह सूर्य की रोशनी को सोख लेती है। इसका मतलब ये है कि समंदर ज्यादा गर्मी स्टोर कर रहे हैं और साथ ही उनका विस्तार भी हो रहा है। दुनिया भर में जल स्तर बढ़ने की ये एक अहम वजह है। इस सदी के आखिर तक समुद्र के बढ़ते जल स्तर की वजह से करीब 20 करोड़ लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा, जिनमें से ज्यादातर लोग एशिया के होंगे। ये पूर्वानुमान दिखाता है कि साल 2100 तक पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश की कितनी जमीन समंदर के अंदर समा जाएगी। जलवायु परिवर्तन की वजह से होने वाले माइग्रेशन से कई चुनौतियां सामने आएंगी, खास तौर से इन तटीय इलाकों में जहां बाढ़ की वजह से रहने लायक जमीन कम होती जाएगी। बाढ़ के अलावा क्लाइमेट चेंज की वजह से कई जगहों पर सूखा पड़ने की आशंका भी है। साल 2018 में दक्षिण अफ्रीका में भयंकर सूखा पड़ा। केप टाउन में पानी लगभग खत्म हो गया था। जलवायु परिवर्तन की वजह से साल 2050 तक ऐसे सूखा और अकाल पड़ने की आशंका बढ़ जाएगी। सवाल यह है कि क्या किया जा सकता है और अब तक क्या किया जा चुका है। जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी वजह कोयले, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाया जाना है। सबसे बड़ी जरूरत वैश्विक उत्सर्जन कम करने की भी है। दुनिया भर की सरकार को महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय करने के लिए प्रेरित किया जाना भी इसमें से एक लक्ष्य है। इस साल के अंत में एक ऐतिहासिक क्लाइमेट समिट ब्रिटेन में आयोजित की जाएगी। इसमें करीब 120 राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे। वैज्ञानिक मानते हैं कि जब तक दुनिया भर की सरकारें और कदम नहीं उठाती, तापमान बढ़ता ही रहेगा। सुनिए प्रोफेसर माइल्स एलन का क्या कहना है, जो संयुक्त राष्ट्र के क्लाइमेट चेंज पर बनाए गए पैनल में रह चुके हैं। The world is warming at... मोटे तौर पर दुनिया हर बीतते दशक के साथ 1/4 डिग्री गर्म होती जा रही है। ये मानव इतिहास में अब तक सबसे तेज गति से हो रहा है। इसके तेज होने के साथ साथ उत्सर्जन भी बढ़ रहा है। तो जलवायु परिवर्तन रोक लेने से जुड़े ज्यादातर सतही वायदों के बावजूद हमें कथनी और करनी में कोई मेल नहीं दिख रहा है। और जब तक हम वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड झोंकना बंद नहीं करेंगे, गर्मी बढ़ती जाएगी। कोविड महामारी भी एक वजह है, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन रोकने की दिशा में उठाए गए तमाम कदम थम गए। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं बीबीसी के पर्यावरण संवाददाता नवीन सिंह खड़का। वैसे भी ये जो कोविड महामारी है, इससे भी पहले वैज्ञानिकों का चेतावनी था कि दुनिया की जो प्रमुख कार्बन उत्सर्जक है उनको जो है उन्होंने जो प्रतिबद्धता जनाई थी कार्बन उत्सर्जन कटौती करने की, उससे 5 गुना ज्यादा उनको करनी पड़ेगी। अगर पेरिस सहमति की जो टारगेट है पृथ्वी की तापमान वृद्धि को 2 डिग्री से ज्यादा होने न देना या फिर उससे कम रखना। लेकिन देखिए ऐसे में क्या हो गया कि जी महामारी के कारण से देशों की प्राथमिकता, अभी काफी सारे देशों के प्राथमिकता में जलवायु परिवर्तन का एजेंडा नहीं है और वो ये इसमें फोकस उनका ध्यान इसमें है कि उनके बिगड़े हुए अर्थतंत्र कैसे बनाए, और उसके लिए उनके पास जो है जो उपलब्ध है खास करके जो जैविक ईंधन, कोयला जैसा जैविक ईंधन जो काफी ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करता है, उनका भी उपयोग करने के लिए वो तैयार है। तो देखिए एक और ये हो रहा है, लेकिन दूसरी ओर ये महामारी के बावजूद जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है वो तो घट नहीं रहा है, वो तो बढ़ता ही जा रहा है। तो इसीलिए ऐसे में जो 2 अलग अलग चीजें, विपरीत दिशा की चीजें हो रहे हैं, ऐसे में जो वैज्ञानिकों का मानना है कि देशों को अपने कार्बन कटौती द्रुत गति से करनी चाहिए, ये काम जो है ये काफी मुश्किल दिख रहा है। सवाल ये कि कई कदम उठाए तो जा रहे हैं, लेकिन क्या वो काफी है? वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कोरोना टीकाकरण से मिसाल कायम करता भारत का एक गांव। बीबीसी दुनिया में भी बहुत कुछ है बाकी, बनी रहिए हमारे साथ।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया में आपके साथ पायल भुयेल। ईरान में इन दिनों पानी की कमी को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहां के दक्षिण पश्चिमी इलाके में पानी की कमी की वजह से प्रदर्शन शुरू हुए, पर जल्दी विरोध सरकार और वहां के सर्वोच्च धर्मगुरु के खिलाफ भी होने लगे। सबसे पहले प्रदर्शन शुरू हुए यहाँ के तेल संपन्न इलाके खुजिस्तान में। इन प्रदर्शनकारियों को अब कई और इलाकों के लोगों के भी समर्थन मिलने लगा है। खबर ये भी है कि पानी के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सुरक्षा बलों ने गोलियां भी चलाई हैं। पिछले 10 दिनों से हो रहे इन प्रदर्शनों के दौरान कई लोग मारे गए हैं। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए ईरान में सरकार ने कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवा तक बंद कर दी है। खुजिस्तान इलाका काफी गर्म है, इसलिए वहां प्रदर्शनकारी रात को जुटते हैं। इस पर और जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता राणा रहीमपुर। अब कई शहरों तक विरोध प्रदर्शन का दायरा बढ़ता जा रहा है। लोग बिजली कटौती, कम वेतन और कामकाज के हालात को लेकर भी विरोध कर रहे हैं। ईरान के लोगों का सब्र जवाब दे रहा है। जून में राष्ट्रपति चुनाव हुए जिसमें बेहद कम लोगों ने हिस्सा लिया। अगस्त में नए राष्ट्रपति पदभार संभालने वाले हैं, उन्हें युवा ईरानी लोगों को संभालना होगा। पर जहां रोजगार की दर 25% ही हो, ऐसे में ये आसान नहीं होगा। खबर अब भारत से, जहां अमेरिका और यूरोपीय देशों में कोविड टीकाकरण तेजी से बढ़ रहा है, वहीं भारत में इसकी रफ्तार काफी सुस्त है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश के सुदूरवर्ती जिले चांगलांग में 80% से ज्यादा वयस्कों को पहला टीका लगाया जा चुका है। बीबीसी संवाददाता रजनी वैद्यनाथन ने चांगलांग जाकर ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये सफलता कैसे हासिल की गई। पूरे भारत में कोविड वैक्सीन डिलीवर करने के लिए कुछ स्वास्थ्यकर्मी ऐसे जटिल रास्ते पार कर रहे हैं। वो कड़ी मशक्कत करके उन गांवों तक वैक्सीन पहुंचा रहे हैं जहां सिर्फ पैदल ही जाया जा सकता है। लतगम सिंह पू और उनकी टीम के साथ हमने भयानक गर्मी के बीच इस जंगल में 3 घंटे ट्रेकिंग की। अरुणाचल प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसीलिए टीकाकरण की रफ्तार भी बढ़ाई जा रही है। यहाँ पे बाय फुट जाता है, बोट से। हम पैदल नावों से या झूलते पुलों से जाते हैं। यहाँ कई जगहें बेहद दुर्गम हैं। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्कूल बॉक्स का तापमान बनाए रखना है ताकि वैक्सीन सुरक्षित रहे। लतगम और उनकी टीम जी तोड़ मेहनत कर रही है, लेकिन चांगलांग समेत पूरे भारत में अन्य चुनौतियां भी हैं। टीकाकरण की धीमी रफ्तार के लिए सरकार की आलोचना हो रही है। इस जिले में सबसे ज्यादा टीके लगवाने वाले स्वास्थ्य केंद्रों को इनाम देने का ऐलान किया गया है। 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार हम कामलांग के इस आदिवासी गांव पहुंचे। स्कूल के बाहर वैक्सीन का इंतजार कर रहे लोग जमा हैं। शुरुआत में गांव वाले वैक्सीन लगवाने को लेकर डरे हुए थे, लेकिन अब काफी लोग आगे आए हैं। बॉस हेम हैचेंग भी उन लोगों में से एक हैं जिन्हें समझाने की जरूरत पड़ी। हवाएं बातें सुनकर उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने टीका लगवाने पर बीमार पड़ने या मरने की अफवाह सुनी थी। 65,000 वयस्कों वाले इस जिले में लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक करने में कई महीने लगे। भारत हाल ही में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से बाहर आया है और अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगवाने की जद्दोजहद चल रही है। अब तक देश की 1/3 वयस्क आबादी को कम से कम पहला डोज लग चुका है। हालांकि चांगलांग में कई दिक्कतों के बावजूद 80% से ज्यादा वयस्कों को एक टीका लग चुका है। चांगलांग में टीकाकरण अभियान उम्मीदों से बेहतर चल रहा है। अधिकारियों के मुताबिक इनाम की वजह से भी टीकाकरण बढ़ रहा है। पास के ही मैथिंग पोंग गांव में टीकाकरण अभियान और मुफ्त राशन वितरण एक ही दिन किया जा रहा है। किसानों के इस समुदाय में लोगों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने का यह अच्छा तरीका है। यहाँ ज्यादातर लोग खेती करते हैं, उन्हें चावल लेने और टीका लगवाने के लिए 2 दिन निकलना पड़ता है, तो हमें लगा कि अगर ये दोनों काम एक ही दिन हो जाए तो उन्हें एक ही दिन निकलना पड़ेगा। चांगलांग में टीकाकरण भले तेजी से हो रहा है, लेकिन भारत का टीकाकरण अभियान कछुए की चाल से चल रहा है। इस साल के अंत तक देश के सभी 95 करोड़ वयस्कों को टीका लगाने की राह अभी बहुत लंबी है। जरूरत है कि कई और गांव चांगलांग से प्रेरित हों। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद टोक्यो में मौजूद हमारे संवाददाताओं से जानेंगे ओलंपिक का हाल। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया में आपके साथ पायल भुयन। और अब बात टोक्यो ओलंपिक्स की, जहां मौजूद बीबीसी संवाददाता आप तक सीधा हाल पहुंचा रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक के सिल्वर मेडल लेकर आज जब मीराबाई चानू लौटी तो उनका भारत में जबरदस्त स्वागत हुआ। अब इस सिल्वर मेडल के साथ भारत की उम्मीदें बढ़ गई हैं। अब वहाँ कौन कौन से ऐसे मुकाबले हैं, कौन कौन से खेलों पर अब लोगों की निगाहें रहेंगी, खासतौर पर भारतीयों की, इस बारे में टोक्यो से जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता जानवी मूले। भारत के निशानेबाज मनु भाकर और सौरभ चौधरी दोनों के पास ओलंपिक का पदक पाने का एक और मौका है। ये दोनों ने इंडिविजुअल इवेंट में अच्छी शुरुआत तो की थी। सौरभ ने फाइनल में 7वां स्थान पाया था, लेकिन मनु भाकर का सपना अधूरा रह गया था क्योंकि उनके पिस्टल का लिवर टूट गया था। लेकिन अब दोनों के पास एक बार फिर से मौका है ओलंपिक में। वो दोनों एक साथ मिक्स शूटिंग इवेंट में खेलेंगे। मंगलवार के दिन मिक्स शूटिंग इवेंट्स है जिसमें बाकी के एयर राइफल और एयर पिस्टल शूटर्स भारत के वो भी एक्शन में दिखेंगे। इनके साथ साथ बैडमिंटन, बॉक्सिंग और टेबल टेनिस इवेंट्स भी है जिनमें भारतीय खिलाड़ी खेलते हुए दिखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ सबकी निगाहें हॉकी के मैच पर भी रहेगी क्योंकि हॉकी में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है भारतीय टीम। एक टॉकिंग पॉइंट ये भी रहेगा कि टोक्यो का वेदर कैसा है क्योंकि यहाँ पर एक तूफान की चेतावनी दी है यहाँ के मौसम विभाग ने, और उसके कुछ परिणाम हमने आज से भी देखना शुरू किया जब यहाँ पूरा दिन ओवरकास्ट कंडीशंस रही है और कल भारी बारिश और तेज़ हवाएँ चलने की भी प्रेडिक्शन है इस पूरे रीजन में। तो उसको मद्देनज़र ओलंपिक की कुछ प्रतियोगिताएं जैसे रोइंग या फिर सेलिंग और आर्चरी, इनकी कुछ टूर्नामेंट्स को रीशेड्यूल किया गया है और अब ऑर्गेनाइजर्स और खेल से जुड़े सभी यहां पर उम्मीद यही कर रहे हैं कि और ज़्यादा देरी ना हो। तो कल जितनी निगाहें खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर रहेगी उतनी निगाहें हवाओं पर भी रहेगी। जानवी मुड़े, बीबीसी टोक्यो। कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @PayalBhuyan। आज के लिए बस इतना ही।